गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है हम इस चैप्टर का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा आपका, तो समझने में इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए लास्ट में क्या है आपका, सेल और बैटरीज। आपको पता है सेल या बैटरीज क्या होते हैं, मीन्स ए डिवाइस विच गिव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और किस वजह से होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड योर सेल और बैटरी। तो बेसिकली सेल जो है या बैटरी जो है तीन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल के अपने पास दो पार्ट होते हैं, ड्राई सेल, मरकरी सेल, और सेकेंडरी सेल के जो हम इसमें लेंगे दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल। और इसके बाद आपके पास थर्ड जो है दैट इज लिथियम फ्यूल सेल आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेल या बैटरी क्या होते हैं, ए डिवाइस विच गिव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ए रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपके पास बेटा सेल या बैटरी होते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें ले रहे हैं दैट इज, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने किया था उसमें क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो कमर्शियल यूज में यूज नहीं, कमर्शियल यूज उसका नहीं कर सकते हैं बेटा। अब उसका क्या रीजन है, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं कमर्शियल यूज उसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटेन सॉल्ट ब्रिज, और उसमें क्या होता है बेटा, जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो हाई होता है। उस वजह से क्या होता है, जब हम लार्ज करंट पास करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जो पोटेंशियल है वो शार्पली ड्रॉप हो जाता है बेटा, मीन्स शार्पली डिक्रीज हो जाता है वो। इस वजह से तो हम क्या उसको यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है दीज लैक द कॉम्पैक्टनेस, मतलब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो हम कॉम्पैक्ट नहीं बना सकते हैं, एंड रफ हैंडलिंग नहीं हो सकती बेटा उसकी। इस वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कमर्शियल यूज में नहीं करते हैं, उसका कमर्शियल यूज नहीं करते हैं। अब आता है पहला लिया इसमें प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या है, द सेल इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर वंस एंड सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बार टेक्स प्लेस होती है और कुछ टाइम बाद जो सेल है वो डेड हो जाता है और उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, कुछ ही टाइम तक हम उसे यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसका पहला पार्ट ले रहे हैं हम ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में देखिए क्या रहेगा बेटा, इसमें हमने एक जिंक कंटेनर लेंगे, जैसे ये आपके पास इसमें डायग्राम बनी हुई है, तो ये जिंक कंटेनर जो है वो एज एनोड एक्ट करेगा, और इसके बीच में हमने ग्रेफाइट रॉड को प्लेस किया है दैट एक्ट एज कैथोड, और ग्रेफाइट रॉड जो है वो सराउंडेड हुई किससे, पाउडर ऑफ MnO2+ कार्बन, और इस पाउडर के बाद जो है इसमें प्लेस किया गया पेस्ट, और पेस्ट किसका है बेटा, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया आपके पास। अब इसमें कैसे क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, तो एनोड के ऊपर क्या होगा बेटा, जो Zn है दैट इज कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कब होगा, जब आपका एनोड और कैथोड आपस में ज्वाइन होंगे तभी ये यूज होता है बेटा आपके पास। तो इसके बाद आता है आपके पास कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे जो आपके पास रिएक्शन आएगी दैट इज 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि रिडक्शन होती है बेटा Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2 में चेंज होगा ये, और ओवरऑल जो रिएक्शन बनी आपके पास Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 2NH3 प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो प्लस 4 था बेटा, और प्लस 4 से प्लस 3 में जा रहा है, तो इट मीन्स इसकी क्या हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन हो रही है। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल, कि ZnCl2 का रोल क्या होता है ड्राई सेल में। तो आप ध्यान रखें कि इसमें अमोनिया गैस जो है वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई है, अगर ऐसे ही अमोनिया गैस एजिटीज इसमें रही तो वो सेल जो है वर्स्ट अप हो जाएगा। इस वजह से क्या करती है, जो अमोनिया को जो है वो ZnCl2 एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, और ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है, इसका नाम है टेट्रा एमाइन जिंक सेकेंड क्लोराइड, ये आ जाएगा बेटा। और ये मैंने कुछ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, व्हाई ड्राई सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम विदाउट यूज, तो इसका क्या रहता है कि अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है ड्राई सेल में, और ये जो है बेटा एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि HCl एसिड जो है इसमें स्ट्रांग होता है, इसलिए ये क्या करता है जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है, इस वजह से वो उसको जो है वो डेड कर देता है। और रोल बता दिया आपको ZnCl2 का, यूजेज आप देख लेंगे इसके, कि जैसे बैटरी वगैरह में यूज होता है इसका, या बच्चों के टॉयज में भी कई बार यूज करते हैं इसका। इसके बाद आता है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल का जैसे नाम से पता चल रहा है बेटा, तो इसमें क्या रहेगा, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर एज एनोड, तो इसमें भी जिंक कंटेनर जो है एज एनोड यूज होता है बेटा, और ग्रेफाइट रॉड इसमें प्लेस करेंगे, और वो भी वो क्या होता है एज ए कैथोड यूज करते हैं बेटा। और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मर्करी सेल है उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, तो याद रखना KOH इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट।
और तो इसमें क्या लेंगे हम साथ में, और साथ में मॉइस्ट मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिक्स्ड विद क्यूएच, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है इसमें क्यूएच के साथ हमने लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या रिएक्शन इसमें टेक्स प्लेस होगी, जेड एन प्लस टू ओ एच नेगेटिव, ये कहाँ से आया ओ एच नेगेटिव, ये लिया हमने क्यूएच से, दैट वी गिव जेड एन ओ प्लस एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ के पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो था वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जीरो से प्लस टू में चला गया है ये। एट कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, जो एच जी ओ है प्लस में वाटर गिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन दैट गिव एच जी, तो एच जी की यहाँ पे रिडक्शन हुई है, प्लस टू से जीरो में गया है, प्लस टू एच नेगेटिव। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो जेड एन प्लस एच जी ओ जेड एन ओ प्लस एच जी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो मर्करी सेल होता है अपनी थ्रू आउट द लाइफ जो होती है इसकी, उसमें क्या करता है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है बेटा, तो इसका क्या रीजन होता है। आप ये रिएक्शन देखिए, यही यहां पर कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट का कंजप्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से जो है वो मर्करी सेल क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नीचे भी दे रखा है। और यूज कहाँ पे होता है, हियरिंग एड्स वगैरह हैं या वॉचेज हैं या कार रिमोट्स हैं, उनमें जो है मर्करी सेल का जो है वो यूज करते हैं बेटा हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपके पास, दैट इज स्केंडरी सेल। और स्केंडरी सेल क्या होता है हमारे पास, जैसे आप लोग भी यूज करते हैं स्केंडरी सेल, इसका मतलब इसको बार बार यूज करते हैं। इट इज द सेल विच कैन बी रिचार्ज, और इसे रिचार्ज किया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग करते हैं। अब आपने देखो कहीं भी अगर स्केंडरी सेल देखा हो, जैसे मोस्टली सारे बच्चे जानते हैं कि घर में जो इन्वर्टर यूज करते हैं, तो जब लाइट चली जाती है तो उसका यूज होता है, इट मीन्स वो डिस्चार्ज होता है, और जब लाइट आती है तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज हो जाता है बेटा। सेम प्रोसीजर आपका गाड़ियों में है, गाड़ियों में भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई गाड़ियों में बैटरी लगी होती है, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तब वो जो बैटरी उसमें रखी है वो चार्ज हो जाएगी, और जब बिना स्टार्ट किए आप उसका यूज करते हैं तो वो डिस्चार्ज होती है बेटा। अब इसमें देखिए जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो 6 सेल से कंसिस्ट होता है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, मेटल ग्रिड कंटेन स्पंजी लेड, वो एक्ट करता है एनोड, और जो मेटल ग्रिड होगी उसमें कंटेन होगा PbO2, वो एक्ट करेगा कैथोड। और इसको क्या करेंगे बेटा, डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन में जो है हम ये एज इलेक्ट्रोलाइट इसमें लेते हैं डाइल्यूट H2SO4, और इसकी जो आपके पास डेंसिटी रहती है दैट इज 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है बेटा, और 38% होता है इसमें H2SO4। तो ये इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड जो है ये बता दिया आपको एनोड और कैथोड यूज होते हैं। और इसके बाद आता है आपके पास क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, तो एनोड के ऊपर जो है आपके पास अपने स्पंजी लेड हुआ है, तो लेड जो है वो सल्फेट के साथ मिलके PbSO4 बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा। और कैथोड पे आपने क्या लिया हुआ है, PbO2 ले रखा है सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके, और सल्फेट लिया तो इसमें एच पॉजिटिव आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना देगा PbSO4 प्लस 2H2 बेटा। और इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन आप इसको ऐड कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये सारी चीजें ऐड होकर आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी जी। तो ये था आपका लेड स्टोरेज बैटरी, और यूजेस कहाँ पे होते हैं इसके बता दिया आपको इन्वर्टर वगैरह में। और देखिए इसके बाद जो आपका ये, तो ये जो आपने रिएक्शन की इसमें ये डिस्चार्जिंग की थी, अब इसमें रिचार्जिंग, रिचार्ज कैसे करते हैं, क्या रिएक्शन होती है, तो जब इसको रिचार्ज किया जाता है तो इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है। तो देखिए एनोड पे जो है वो जो रिएक्शन है वो अपोजिट हो जाएंगी, जैसे कैथोड पे जो है अब क्या प्रोड्यूस होगा, आपके पास लेड प्रोड्यूस होगा, मीन्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव लेड प्लस सल्फेट, और इसी तरह से PbSO4 प्लस 2H2O इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव एच पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या कर देंगे आप, ओवरऑल रिएक्शन बना देंगे वही ऐड करके। अगर आप ये रिएक्शन देखेंगे तो ये जो रिचार्जिंग वाली रिएक्शन है ये एग्जैक्टली रिवर्स है किसकी, डिस्चार्जिंग की। तो आप ये काम करते हैं, एक ही रिएक्शन याद कर लीजिए डिस्चार्जिंग की, तो जब आपने रिचार्जिंग वाली लिखनी तो आप उसके अपोजिट उस रिएक्शन को लिख लीजिए बेटा। इसके बाद दूसरा जो आपके पास सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, निकल कैडमियम सेल, इट इज द मेन सोर्स ऑफ ये जो मेन आपके पास मेनली यूज होता है कैलकुलेटर वगैरह में यूज होता है, और ये हाईली एक्सपेंसिव होता है बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड जो है इसमें एनोड होती है, और मेटल ग्रिड जो है उसमें क्या डाला होता है हमने, निकल डाइऑक्साइड मीन्स NiO2 डाला होता है बेटा उसमें हमने, और वो एज ए कैथोड यूज होते हैं, और इसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है दैट इज KOH रहता है बेटा। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने ध्यान रखना बेटा इन चीजों का। अब एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी, CD प्लस 2H नेगेटिव दैट गिव कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गई। और कैथोड के ऊपर जो है निकल जो है प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वाटर के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया प्लस 2H नेगेटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन जो बनी इसकी बेटा, CD प्लस NiO2 गिव प्लस 2H2O गिव CDOH होल ट्वाइस प्लस निकल हाइड्रोक्साइड,
ये इसमें रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो आ रहा है वो है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल जो है हमारे पास, जैसे नाम से पता चल रहा है बेटा, इस सेल में हम क्या करेंगे, एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी बाय द कंबसन ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसें ली हमने, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इनका जो कंबसन होगा तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक क्वेश्चन यहां से बहुत बार आता है बेटा कि कौन सा ऐसा सेल है जो अपोलो मून फ्लाइट्स में सबसे पहले यूज किया गया था एज ए मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखना दैट इज फ्यूल सेल या H2O2 फ्यूल सेल भी बोल सकते हैं बेटा उसको। और इसमें मेनली क्या है, पोर्स कार्बन इसमें एज ए एनोड और एज ए कैथोड एक्ट करता है, जिसमें सूटेबल कैटलिस्ट जो है हमने लिए होते हैं बेटा। और कौन कौन से कैटलिस्ट इसमें यूज होते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह या सिल्वर वगैरह इसमें हम यूज कर सकते हैं एज ए सूटेबल कैटलिस्ट। तो इसमें क्या रिएक्शन टेक, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है बेटा इसमें भी एक्वस KOH, कंसनट्रेटेड एक्वस KOH या NOH ले सकते हैं बेटा आप इसमें। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाकी ऐसा नहीं कि टफ टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। तो इसमें देखिए एनोड पे क्या होगा, 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव गिव 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो जाएगा O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और 4OH नेगेटिव। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है पास की थी, यहाँ से हाइड्रोजन पास की थी, और यहाँ पे ये एनोड और ये एज ए कैथोड, तो यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हुआ और साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई बेटा। और इस वाटर को जो है हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं बेटा। अब आता है फ्यूल सेल की जो एडवांटेज है वो क्या रहती है, फ्यूल सेल हमेशा क्या करता है, कंटिन्यूस सप्लाई देता है और कभी डेड नहीं होता है बेटा। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60-70% होती है बेटा, और जो कि हाई है किससे, थर्मल पावर प्लांट से बेटा। और दूसरी बात है, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, कोरोसिवनेस इलेक्ट्रोलाइट यूज करने पड़ेंगे इसमें बेटा। और दूसरा है हाई कॉस्ट कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, हाई कॉस्टली, बहुत कॉस्टली हो जाएगा बेटा ये। और दूसरा आता है प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैसेस फ्यूल, कि जो गैसेस फ्यूल होती हैं उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है बेटा, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज कोरोजन। तो कोरोजन जो है हमारे पास, इट इज द फिनोमिनन ऑफ स्लोली ईटिंग अवे द सरफेस ऑफ मेटल बाय द अटैक ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेज। ये आपने 10th में भी टॉपिक पढ़ा हुआ है कि कोरोजन क्या होता है, जो मेटल सरफेस होता है उसकी स्लोली ईटिंग जो है दैट इज कॉल्ड कोरोजन। और किस तरह से होता है बेटा, एटमोस्फेरिक गैसेज, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है टर्नेसिंग जो है, सिल्वर का जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, मीन्स उसकी शाइनिंग चली जाती है, वो किस वजह से होता है, सल्फाइड लेयर जो है उसके ऊपर आ जाती है। इसी तरह से जो कॉपर का सरफेस होता है वो ग्रीन हो जाता है, वो किस वजह से, एल्केलाइन कॉपर कार्बोनेट की वजह से। तो इसका अगर आप देखें तो COH होल्ड ट्वाइस डॉट CuCO3 ये बनता है बेटा इसका। और ब्राउन कलर, रेडिस ब्राउन कलर आता है, रेडिस ब्राउन कलर ऑफ ऑन सरफेस ऑफ आयरन, ये रस्ट की वजह से होता है बेटा। तो अब इसमें आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, या इसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। तो इसमें बेटा कुछ स्टेप में ये आपको एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे क्या लिया, वाटर वेपर जो है वो सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर जो है डिजोल्व करते हैं CO2 को। अगर वाटर CO2 में डिजोल्व हो रहा है तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है बेटा। तो कार्बोनिक एसिड पहले डिसोसिएट होगा H+ प्लस CO3 नेगेटिव में। अब जो आयरन प्रेजेंट है ऑक्सीडेशन हो जाएगी बेटा, तो Fe चेंजेस टू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा क्या रहेगा कि जो Fe ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो H+ उनको गेन करके और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन करता है बेटा। तो 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव 2H2O, ये एज ए कैथोड एक्ट किया और Fe का जो था वो एज ए एनोड एक्ट हुआ। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो सेकंड इक्वेशन को, तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी जी। तो जो Fe2 पॉजिटिव है मीन्स फेरस आयन है, वो रिएक्ट होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है बेटा। तो देखिए 4Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4H2O दैट विल गिव 2Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव। और ये जो बना यहाँ पे ये एनहाइड्रस है, तो ये जैसे ही इसकी फॉर्मेशन होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाता है, तो ये रस्ट की फॉर्मेशन होगी बेटा जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है कि प्रिवेंशन जो है, क्रोजन की प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम। तो ये घरों में आपने भी देखा होगा कि भाई क्रोजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, कोई भी आर्टिकल है उसके ऊपर पेंट कर देते हैं बेटा, या ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर लेते हैं। उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। तो सरफेस जो है वो स्मूथ होने की वजह से जो है
ये पेंटिंग, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग हो जाएगा बेटा आपके पास, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ये इसके लिए बैरियर प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है ताकि सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए और उस वजह से एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है इसके ऊपर अटैक नहीं कर सके बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आयरन जो सरफेस होगा, जो आर्टिकल होगा आपके पास, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, किसी मोर रिएक्टिव मेटल की जो है इसमें लेयरिंग कर देंगे, इसके ऊपर लेयर जो है वो बना देंगे, थिकनेस थिक लेयर जो है इसके ऊपर बना देंगे बेटा। तो उस वजह से क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल आपने ऊपर ली हुई है उसी की ऑक्सीडेशन होगी, आयरन जो है प्रोटेक्ट रहेगा बेटा इससे। और अगर जिंक मेटल की लेयर हम इसके ऊपर लगाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और इसके बाद आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन किस काम आता है बेटा, जो अंडरग्राउंड हमने आयरन की पाइप जो है वाटर सप्लाई के लिए ली होती है, उस पाइप को बचाने के काम आता है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, वायर की हेल्प से हम मैग्नीशियम मेटल को कनेक्ट कर देंगे आयरन के साथ। तो आप जानते हैं मैग्नीशियम जो है वो मोर एक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू आयरन, तो इसलिए मैग्नीशियम यहां पे क्या एक्ट करेगा बेटा, एनोड एक्ट करेगा। तो यहां पे कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है वो हो जाएगी, मींस आयरन के ऊपर जो है वो एज ए कैथोड यूज होगा, और कैथोड जहां यूज होता है वहां पे मेटल की स्लोली ईटिंग नहीं होती है, मेटल की ईटिंग नहीं होती है, तो इस वजह से आयरन जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट रहेगा। और इसी तरह से आप कुछ जो है इसमें एंटी रस्ट सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं जो इसको बजाते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स प्रमोट करोजन, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि करोजन को प्रमोट करते हैं बेटा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, आपको पता है जितनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी उतनी उसमें रस्टिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी बेटा, या करोजन जो है वो जल्दी हो जाएगा। अगला प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इसमें वही रहता है कि जितनी इम्प्योर मेटल होगी उतना आपके पास उसमें रस्टिंग या करोजन जो है वो जल्दी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, आपने देखा होगा बेटा रेनी सीजन में जो है सबसे ज़्यादा रेट होती है आपकी करोजन की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है एयर में मॉइस्चर वगैरह होती है, तो इस वजह से जो है वो रस्टिंग रेट इसकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपके पास स्ट्रेन्स इन मेटल, अगर देखिए कहीं भी मेटल पे कट लगे हुए हैं, उसका सरफेस जो है वो रफ है, तो उसके ऊपर जो रस्टिंग रेट होगी वो ज्यादा होगी बेटा। और ये कुछ एक क्वेश्चन इसमें बता रखे हैं कि पीएच जो है सॉल्यूशन की वो कैसे अफेक्ट करती है रस्टिंग रेट को बेटा। तो पीएच का ध्यान रखना, आपने देखा कि एच पॉजिटिव जो है वो रस्टिंग रेट के काम आता है, तो अगर आप पीएच को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है जो रस्टिंग रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7 देन रस्टिंग रेट डिक्रीज, क्योंकि जो एच पॉजिटिव होंगे उनको ओएच नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो रस्टिंग रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी बेटा। और सलाइन वाटर जो है वो इंक्रीज क्यों करता है रेट को, क्योंकि इसमें जो आयंस है वो आ जाते हैं, जो सोडियम क्लोराइड या और किसी के आयंस हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे बेटा, तो इस वजह से जो रस्टिंग रेट है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है आज वो फिनिश हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।